Students, class 7th maths, and today we will continue our chapter 8 comparing quantities and starting our new exercise at point 3. So we have question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. हमें कोई case दिया होगा यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से उसमें हमें जो प्रॉफिट है लॉस है वो फाइंड आउट करना है, एंड जो प्रॉफिट परसेंट है लॉस परसेंट वो भी फाइंड आउट करना है. डन. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325. अब यहाँ पे गार्डनिंग शेयर्स जो थे वो खरीदे हैं 250 रुपीज में. ठीक है, ध्यान से सुनना, 250 रुपीज में खरीदे हैं. बॉट मतलब खरीदे, सोल्ड मतलब बेचना. बेचे कितने में? 325 में. अब आप ये देखो, खरीदे तो इतने में और बेचे इतने में, तो ज़्यादा पैसे में बेचे. कहने का मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको बोला कि जब हम ज़्यादा पैसे में सेल कर देते हैं किसी चीज़ को तो हमें प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पे हमें देखो, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 325 रुपीज़. सिंस सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ फर्स्टली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे. 325 माइनस 250 रुपीज 75. नाउ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, हमने देखा है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. डन. प्रॉफिट है हमारे पास 75 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100. कट करेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगी, 25 थ्री 75, 3 मल्टीप्लाई 10 30%. सो देयर फॉर प्रॉफिट 75 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी. अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500. अगेन कॉस्ट प्राइस, वी हैव कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस 13,500 रुपीज, राइट. एंड सिंस सेलिंग प्राइस, अगेन सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हियर प्रॉफिट. अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है देयरफॉर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट हमें फाइंड करना है. सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे. सो वी विल गेट प्रॉफिट 1500. नाउ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट है हमारे पास 1500, कॉस्ट प्राइस है 12,000 मल्टीप्लाई 100. 10 से 10 कट, 10 से 10 और ऊपर की 10 से ये 0 भी कट हो जाएगी. सो वी विल गेट 150 अपॉन 12, एंड जब देन हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 12.5%. सो हियर वी हैव प्रॉफिट रुपीज 1500 एंड प्रॉफिट परसेंट 12.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन वी है क्वेश्चन नंबर सी. अ कबोर्ड बॉट फॉर रुपीज 2500 एंड सोल्ड एट 3000. अगेन कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया है 2500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस दिया है 3000. सिंस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हियर प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है अगेन, इसीलिए प्रॉफिट होगा. नाउ प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो वी विल गेट प्रॉफिट 500. हमें 500 का प्रॉफिट हुआ जब हमने उसको बेचा. नाउ प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, 2500 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कट करेंगे, 10 से 10 एंड 25, 2 जब 50, सो 0 20. ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट 20, एंड प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंट हो जाता है 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज. रेशियो दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो रेशियो दिया है 3:1. अब इनका टोटल पार्ट क्या है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन तो बना नहीं है, ये फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. तो टोटल पार्ट है 4, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएंगे हमारे पास 3:4:1:4. अब हम इजीली इसको परसेंटेज में बता सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. सो 3:4 × 100 फ्रैक्शन आ गए इनको. अगर फ्रैक्शन को जब हम परसेंट बनाते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सिमिलरली 1:4 × 100 इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 75% रेशियो 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी. 2:3:5. सो टोटल पार्ट हो जाता है हमारे पास 10. देयरफॉर 2:10 रेशियो 3:10 रेशियो 5:10. अगेन
तीनों रेशो फ्रैक्शन आ गए हमारे पास। अब अगर इनको हमें परसेंटेज में बनाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया। और फिर जब 10 से कट करेंगे, 10 टेंजा 2 मल्टीप्लाई 10 2 20, अगेन ये ऐसे ही हो जाएंगे, तो 3 टेंजा 5 टेंजा, तो 20% ratio 30% ratio 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। सॉल्व डिक्रीज्ड पॉपुलेशन इक्वल 25,000 माइनस 24,500। कहने का मतलब ये है कि एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। फ्रॉम किससे डिक्रीज हुई, 25,000 से वो क्या हो गई है, 24,500 हो गई। अब इसका जो डिक्रीज परसेंट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम पॉपुलेशन फाइंड कर लेते हैं कि कितनी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये 500 डिक्रीज हुई है, मतलब पहले तो थी 25,000 और अब हो गई 24,500, मतलब कि 500 जो पॉपुलेशन थे 500 लोग कम हो गए हैं। सो डिक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। डिक्रीज कितनी हुई है, 500, और ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, 25,000 मल्टीप्लाई 100। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे सो विल गेट 2%। हाउ, देखो 10 से 10 कट हो जाएगी, 10 से 10 और यहाँ की 10 से ये 0 कट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 to 50 2%। हैंस द परसेंटेज डिक्रीज इज 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा है ₹10,000 में एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। अभी इतनी देर हमारे पास, जैसे कि हमने 10,000 में खरीदा, फिर उसका सेलिंग प्राइस दिया होता था जैसे कि 12,000 में बेचा, अभी हमारे पास ये दिया है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो इस पे हमें कितनी मनी मिली। सो गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹10,000 एंड प्रॉफिट परसेंट 20%। नाउ प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम प्रॉफिट परसेंट से फाइंड करेंगे, तो 20/100 मल्टीप्लाई 10,000। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट ₹2,000। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ, ₹2,000। और अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें मिला के प्रॉफिट से हमने बेचा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10,000, हमने 10,000 में ख़रीदा और 2,000 एक्स्ट्रा लगा के हमने उसको बेच दिया, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 12,000। हैंस ही गेट्स 12,000 ऑन सेलिंग हिज टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी लोजेस 20% इन द बार्गिन, वॉट वॉज द प्राइज एट विच शी बॉट इट। ठीक है, अब जूही एक वॉशिंग मशीन सेल के लिए गई। देखो आप पहले सॉल्यूशन देखो, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 13,500, लॉस परसेंट क्या है हमारा 20%। नाउ अब लॉस फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब जो ये लॉस परसेंट, ये लॉस फाइंड होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो लॉस परसेंट हमारा 20% ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 20/100, 10 से 10 कट हो जाएगी, 2 1 2 एंड 2 5 10, सो देयर फॉर x/5 जो है हमारा लॉस आ जाएगा। देयर फॉर SP सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है x, और लॉस जो हमें हो रहा है वो है x/5। डन, अब इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना आती है। हम 5 लेंगे, LCM लेंगे, 5x हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा x, 5x माइनस x/5। अब ये राइट हैंड साइड में डिवाइडेशन में है तो यहाँ पे इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 4 है ये आ जाएगा डिवाइडेशन में। कहने का मतलब 4x/5 का रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 5/4। नाउ जब हमने इसको सॉल्व किया सो वी विल गेट 16,875 रुपीज़। हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बायज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अमीना ने एक बुक खरीदी ₹275 में और उसने 15% लॉस पे उसको बेच दी। हाउ मच डस सी सेल इट फॉर। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹275, लॉस परसेंट 15%। लॉस कितना हुआ ये फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस पे फाइंड होगा, लॉस परसेंट ऑफ 275, तो 15% ऑफ 275, 15/100
मल्टीप्लाई 275, 15 मल्टीप्लाई 275 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट 4125। डेसिमल लगा दिया इन दोनों को रिमूव करके हमने, सो रुपीज़ 41.25। ये हमारा आ गया लॉस, हमें इतना लॉस हुआ। 275 में खरीदा था और जो हमारा लॉस हुआ वो है 41.25। सो देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा वो हो गया 233.75। अब आप देखो, उसने ख़रीदा तो 275 में और बेचा कितने में, 233 रुपीज़ में। ऑफकोर्स उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना। सो हैंस अमीना सेल्स अ बुक फॉर 233.75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। ठीक है, 3 इयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट पेड करना होगा ये हमें इस केस में बताना है। ईच केस, ये ए वाला कैसे, बी वाला भी है। सो प्रिंसिपल है हमारे पास 1200 और जो रेट है वो है 12%। नाउ वी हैव सॉल्यूशन, गिवन दैट प्रिंसिपल 1200 है हमारे पास, रेट हमारे पास 12% है और टाइम जो है 3 ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट हमने कितना पे किया। तो पहले तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, हम तभी अमाउंट बता पाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे 1200, आर की वैल्यू हमारे पास है 12, टाइम हमारे पास 3 अपॉन 100। नाउ 120 से 20 कट हो जाएंगे, वी विल गेट 12 × 12 × 3। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट प्रोडक्ट 432 रुपीज़। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लग रहा है और तो जो अमाउंट होता है हमारा वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का प्लस होता है। तो प्रिंसिपल 1200 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 432, सो वी विल गेट टोटल अमाउंट 1632। तो हमें टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा इंटरेस्ट के साथ में, 1632। कहने का मतलब हमने उधार इतना लिया 1200 और इंटरेस्ट देना पड़ा हमें 432, तो हमें टोटल अमाउंट देना पड़ा 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन अ 2 ईयर। यहाँ पे आपको जो रेट ये दिया है ये इंटरेस्ट है, क्या है, एज इंटरेस्ट लिखा है ना। तो 280 रुपीज जो है इंटरेस्ट है और जो सम ऑफ है वो है 56,000। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 56,000, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 280 रुपीज़, टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो हमें अब क्या करना है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और रेट फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 280, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है 280, प्रिंसिपल है 56,000, रेट हमारे पास गिवन नहीं है, टाइम है 2 ईयर अपॉन 100, राइट 280। अब ये जो डिवाइडेशन में है ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल 56,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई ए 2। अब ये भी मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएंगे तो डिवाइडेशन में हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाता है 280 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 56,000 मल्टीप्लाई 2। एंड नाउ यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 से 20 कट करेंगे, इस 10 से इस 0 को कट करेंगे, देन 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, सो 14 अपॉन 56 इस तरीके से आएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 0.25%, रेट हमारी आ जाती है 0.25%। हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम इज 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स अ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर्स एट 9% रेट, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है वो तो आप 45 दे रहे हो, मीना जो 45 रुपीज़ क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है फॉर 1 ईयर, कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए, एंड 8 to 9% है और जो रेट है वो क्या है 9%। यहाँ पे ये पूछा है कि उसका जो व्हाट इज़ द सम ही हैज बोरोड, बोरोड मैंने आपको बता रखा है जो प्रिंसिपल होता है वो कितना उधार लेते हैं वो क्या होता है प्रिंसिपल। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। नाउ गिवन दैट सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपीज़, रेट 9%, टाइम 1 ईयर, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, देन वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 45, पी आर रेट है हमारे पास 9, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, रेसिप्रोकल कर देंगे 45 और ये 100 यहाँ आ जाएगा, 9 × 1 यहाँ आ जाएगा, सो इक्वल पी 9 5 ज़ा
45, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 500, सो प्रिंसिपल हो जाता है हमारे पास 500 रुपीज़। हैंस द बोरोड रुपीज़ 500, दैट मीन्स कि जो बोरोड हम लेते हैं वही हमारा क्या होता है प्रिंसिपल। सो हियर योर एक्सरसाइज 8.3 इज कम्प्लीटेड एंड अलॉन्ग विथ योर चैप्टर 8 ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ योर जितना भी मैंने आपको अभी समझाया ये आपको सारा आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड आप वीडियो अगेन देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। थैंक यू।